अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बकरीद स्पेशल में आपको खड़े मसाले के मटन की रेसिपी बताने जा रही हूँ, इंशाल्लाह जो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करा करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कुकर ले लिया है और मैं एक कप तेल डाल रही हूँ। तेल को गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें अपने खड़े मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 2 तेज पत्ता डालेंगे, करीब 5 से 6 इलायची, हरी इलायची, 5 से 6 लौंग है, 2 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 2 जावित्री के फूल हैं, ज़ीरा है और काली मिर्च है। ये सबको थोड़ा क्रैकल होने देंगे। देखिए हमारे खड़े मसाले क्रैकल हो गए हैं। ये मैंने प्याज ली है, इसमें प्याज ज़्यादा जाती है, करीब 7 से 8 प्याज है ये। थोड़ा सा बस सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। ये करीब 2 टेबल स्पून हमने चॉप जिंजर लिया है, अदरक चॉप अदरक है, और 2 ही टेबल स्पून लहसुन है चॉप, बारीक बारीक हमने काट लिया है दोनों चीज़, लहसुन भी अदरक भी, मिक्स कर देंगे। सात से आठ हरी मिर्चें ली थी मैंने, इसे क्रश कर लिया है। अब हम इसमें अपना मटन डाल देंगे। नमक डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और ये साबुत लाल मिर्चें हैं, ये डाल देंगे। अब हम कुकर की लीड लगा देंगे और इसको गलने तक का, गोश्त को गलने तक का पका लेंगे। देखिए हमारे कुकर में सीटी आ गई है, हम अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पे करीब 15 से 20 मिनट पकने देंगे। देखिए 15 से 20 मिनट हो गया है हमारे मटन को पकते हुए, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है, अब हम इसे खोल लेंगे। मटन हमारा गल गया है, ये देखिए, अब हम इसे भून लेंगे। गैस चालू कर देंगे, इसे भून लेंगे। देखिए मटन हमारा भुन रहा है। ये मैंने 1/2 टीस्पून अक्खी धनिया लिया था और ज़ीरा, इसको रोस्ट करके इसको ऐसे दरदरा सा पीस लिया, ये बीच में डाल देंगे। 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून अक्खा धनिया था, इसको थोड़ा सा खाली क्रश किया है। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। देखिए मटन हमारा भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है, अब हम इसमें अपनी दही डालेंगे। करीब 200 ग्राम दही है,
डालने के बाद थोड़ी देर और पका लेंगे, फिर इसे आपको सर्व करके बताते हैं। मटन हमारा तैयार है। अब हम इसमें थोड़े से हरी धनिया के पत्ते डालेंगे, तीन से चार हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़े ऐसे बड़ी पीस में कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा अदरक के स्लाइस डालेंगे। मटन हमारा तैयार है। अब हम आपको सर्व करके बताते हैं। ये देखिए हमारा मटन कितना अच्छा गल गया है, एकदम सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी हमारा खड़े मसाले का मटन बन के तैयार हुआ है। प्लीज़ आप भी अपने घर पे इसे ट्राई करिएगा, अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी कोई भी नई रेसिपी आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।